नमस्कार, बोले यूपी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसलिए तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा जनता में विश्वास दिखाने के लिए एक होड़ मची हुई है। चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी, राजभर हो या फिर कांग्रेस हो, ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो जनता के बीच जाकर अपने प्रति विश्वास जताने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए आपको नजर आएंगे। इसी क्रम में अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। स्वतंत्र देव सिंह, सुनिए पहले अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, आजम खान अति मुक्ता एक उसी कड़ी में जो दंगा कराने वाला व्यक्ति है, जो समाज को तोड़ने वाला है, समाज को गुमराह करने वाला है, वह व्यक्ति एक कड़ी और अखिलेश से जुड़ गई है। जनता जनार्दन समझती है और जनता जनार्दन इसका जवाब देगी और पुनः योगी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ हम चुनाव जीतेंगे। फिर यहां पर जैसे आज है और कल भी न कोई गुंडा राज रहेगा, एक तरह का यहां पर शांति के मार्ग पर लोग चलेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी की आज एक अहम बैठक भी होने वाली है। अहम बैठक को लेकर के चर्चा यह है कि आज इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले फेज की तैयारी को लेकर के जब सबसे ज्यादा चर्चा की जाएगी। चर्चा इस बात को लेकर सबसे ज्यादा होने वाली है कि आखिरकार पहले फेज में कौन कहां से उम्मीदवार बनाया जाए, यानी टिकट बंटवारे को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा है। चर्चाओं की लिस्ट काफी लंबी है और माना ऐसा जा रहा है कि पहले फेज की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं। सभी के अंदर इस बात को लेकर के अब बैठकें लगातार जारी है कि आखिरकार किसको कहां से उम्मीदवार बनाया जाए जो जनता का विश्वास जीत सके। फिलहाल उत्तर प्रदेश में सब कुछ COVID-19 रूल के अंतर्गत हो रहा है। ऐसे में किसी भी उम्मीदवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना काल बना हुआ है, क्योंकि जनता का विश्वास जीतने के लिए महज एक सबसे बेहतर और बेहतरीन तरीका सोशल मीडिया बचा है। सोशल मीडिया के जरिए यानी वर्चुअल तरीके से प्रचार प्रसार करना है और वर्चुअल तरीके से अपना एक स्थान बना पाने में सक्षम होना है। अब ऐसे में सबके लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि जिस व्यक्ति विशेष से लोग मिलेंगे नहीं तो अपना व्यक्तित्व का उस पर छाया पड़ेगा नहीं। ऐसे में वर्चुअल कितना ज्यादा प्रभाव कौन डाल पाता है, यह सबसे बेहतरीन बात है। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने पहले ही चुनाव आयोग से मांग किया था कि वर्चुअली प्रचार प्रसार करने में बीजेपी दल सबसे आगे है और जितने भी दल हैं उत्तर प्रदेश में जो कमजोर हैं डिजिटली प्रचार प्रसार में, उसे इलेक्शन कमीशन के द्वारा फंड दिया जाए जिसके जरिए कम से कम लड़ाई तो बराबर की हो सके। यानी पहले से अखिलेश यादव डिजिटली प्रचार प्रसार में अपने आप को पिछड़ा हुआ बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी पहले से ही डिजिटली प्रचार की मुहिम छेड़ चुकी है और अब अखिलेश यादव को लेकर एक के बाद एक वार किए जा रही है। अखिलेश यादव पर पहले से ही कई आरोप लगते रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा लगाए गए आरोपों पर अखिलेश यादव किस प्रकार से अपनी बातें रखेंगे, क्या कुछ बयान देंगे, किस प्रकार से अपनी सफाई में कहते हैं। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव के द्वारा बनाई गई रणनीति पर चुनाव आयोग एक नजर में पानी फेर सकता है। अगर डिजिटली प्रचार कर पाने में सपा पीछे रह जाएगी तो फिलहाल सपा के पास भी अपना डिजिटली यूथ आइकन के साथ साथ डिजिटली इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर है कि उसकी भी तुलना बीजेपी से आप कर सकते हैं। ऐसे में देखना है कि किसका सबसे ज्यादा डिजिटली प्रचार प्रसार का आंकड़ा निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।